हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड योर फैमिली। दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, सो एंजॉय दिस फेस्टिवल एंड बी हैप्पी। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M52 यहाँ पे एक अला फ़ोन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे कुछ दिन पहले हमको देखने मिला जो कि 5G फ़ोन है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तारीफ़ की जा रही है। ये फ़ोन में आपको फीचर्स जो है वो काफ़ी सही देखने मिल रहे हैं। ऐसा हमको पहले देखने को नहीं मिलता था। जो एम सीरीज जो होती थी वो इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M52 जो 5G फ़ोन है, इसमें आपको A to Z सारे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें इसमें कई ज़्यादा फोकस किया गया, तो काफ़ी ये चीज़ काफ़ी सही है। वैसे अगर यहाँ पे वीवो की बात करें तो यहाँ पे वीवो V20 सीरीज़ यहाँ पे कुछ दिन पहले लॉन्च की गई थी, लेकिन जो यहाँ पे वीवो V21e जो है और जो कि ये 5G फ़ोन है, इस फ़ोन में फीचर्स जो है वो आपको ठीक मिल रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है उस पर फोकस यहाँ पे थोड़ा सा कम किया गया है। तो बेसिकली आज हम इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे कंप्लीट क्लियर कंपेरिजन रिव्यू करने वाले। तो दोस्तों, बेसिकली आपको यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M52 में आपको यहाँ पे दो कलर देखने मिल जाते हैं, एक यहाँ पे आईसी ब्लू और यहाँ पे ब्लेजिंग ब्लैक। और वीवो में भी आपको यहाँ पे दो ही कलर देखने मिलते हैं, एक यहाँ पे सनसेट जैद और यहाँ पे डार्क पिलर। जो यहाँ पे सैमसंग में जो मुझे सबसे सही जो यहाँ पे कलर लग रहा है वो मुझे यहाँ पे आईसी ब्लू, और वीवो में यहाँ पे मुझे सनसेट जो जैज है वो दोस्तों यहाँ पे मुझे कलर काफ़ी सही लग रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बैक साइड की बात करते हैं तो आपको पीछे साइड दोनों में पॉलीकॉर्बेट यानी कि आपको इतने की प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी कि जो कि आती है कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश के साथ में। बाकी सैमसंग में आपको ट्रिपल यानी कि तीन कैमरे का आपको इसमें सेटअप देखने को मिल जाता है। वीवो में आपको यहाँ पे डुअल यानी कि दो ही कैमरे के आपको इसमें सेटअप देखने को मिलेंगे। बाकी दोनों ही फोन में हमको यहाँ पे कर्व एजेस के साथ साथ हमको यहाँ पे प्लास्टिक के फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पे जो थिकनेस जो है वो आपको सैमसंग में काफ़ी कम देखने को मिल रही है। सैमसंग में इसमें यहाँ पे थिकनेस और वेट काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको 7.4 mm की आपको इसमें थिकनेस मिल जाती है, तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पतला होगा। आपको वीवो में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, 7.8 mm के आसपास देखने मिल जाती है। वेट के मामले में सैमसंग में आपको काफ़ी सही देखने को मिलता है, 173 ग्राम का देखने को मिल जाएगा। वीवो में आपको थोड़ा सा और कम मिल जाता है, 167 ग्राम का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर इन द बॉक्स कंटेंट की, तो इन द बॉक्स में आपको यहाँ पे सैमसंग में बैक कवर देखने को नहीं मिलता, वीवो में देखने को मिल जाएगा। सैमसंग में आपको सिर्फ 15 वाट का एक नॉर्मल सा ही चार्जर देखने को मिलता है, हालांकि फ़ोन जो है वो 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको चार्जर सिर्फ 15 वाट का ही देखने को मिलेगा। और वीवो में आपको यहाँ पे 44 वाट का सुपर फास्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स में मिल जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग भी कर पाएंगे। ईयरफोन स्क्रीन गार्ड हमको सैमसंग में देखने को नहीं मिलेगा, वीवो में देखने को मिल जाता है। USB टाइप सी टू टाइप में हमको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, यहाँ पे सिम ट्रे इजेक्टर पिन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पे आपको सैमसंग में 5000 mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिल जाती है, और फिर भी यहाँ पे सैमसंग ने जो वेट मैनेजमेंट है और जो इसकी थिकनेस है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैनेज की, इसलिए यहाँ पे फोन काफ़ी ज़्यादा थिन है, लाइट वेट है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे सैमसंग में देखने को मिल जाएगा। वीवो की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे सिर्फ 4000 mAh की खाली बैटरी मिलती है, तो ये एक चीज़ काफ़ी कम है, मतलब जो बैटरी जो है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी मतलब बैटरी इंक्रीज़ करनी चाहिए थी। और वेट की बात करें तो जो चार्जिंग टाइम है उसकी बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सैमसंग में कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं था, सिर्फ 15 वाट का चार्जर आपको इन द बॉक्स में मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे का तो चार्जिंग टाइम लग ही जाएगा। वीवो में यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन किया गया था कि यहाँ पे 0 to 72% आपको जो चार्जिंग टाइम है वो सिर्फ आधे घंटे में कवर हो जाएगा, और आई थिंक यहाँ पे 0 to 100% जो चार्जिंग टाइम है वो के 50 मिनट में तो फुल चार्ज हो जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे कैमराज की, तो यहाँ पे आपको दोनों में 64 MP का मेन कैमरा मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और सैमसंग में आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो कि आता है 123 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू के साथ में। और वीवो में आपको यहाँ पे 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, जो कि आता है 120 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ में। सैमसंग में आपको एक और लेंस मिल जाता है जो कि 5 MP का आपको इसमें मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अच्छे खासे मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमको 5 MP का मिल रहा है, 2 MP का नहीं मिल रहा है, तो जिसके थ्रू आप यहाँ पे अच्छे खासे मैक्रो शॉट निकाल सकते हैं, कलर शिफ्टिंग और इन सब के इशू नहीं होगा। बाकी यहाँ पे वीडियो शूट की बात करें तो आप दोनों में 4K तक ही कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बात करें सेल्फी की, तो यहाँ पे आपको दोनों में 32 MP की सेल्फी मिल जाती है। वीडियो शूट सैमसंग में 4K तक ही कर पाएंगे, यहाँ पे वीवो में हम यहाँ पे सिर्फ फुल एचडी तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको सैमसंग में 6.7 इंच का यहाँ पे 1 bit डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वीवो में आपको यहाँ पे सिर्फ 6.44 इंच का मिल जाएगा। थोड़ा छोटा डिस्प्ले, लेकिन दोनों ही फुल एचडी है, एमोलेड है। और सैमसंग में यहाँ पे कॉर्निंग गोला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रही, काफ़ी सही है। और वीवो में आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोला ग्लास 3 की मिल रही है, हालांकि ये भी चीज़ ऑफिशियली मैंसन नहीं थी, आई थिंक आपको कॉर्निंग गोला ग्लास 3 की देखने को मिलेगी। सैमसंग में आपको हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, जो कि 120Hz का, वीवो में आपको सिर्फ नॉर्मल सा स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि 60Hz का मिलेगा। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको यहाँ पे दोनों में 90% से
पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सैमसंग में जो प्रोसेसर मिल रहा है वो आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा प्रोसेसर है। 6 नैनोमीटर पावर एफिशिएंट ऑक्टो कोर अंतोस कोर आपको इसमें 5.5 लाख के करीब देखने को मिलेंगे। वही जगह यहाँ पर अगर वीवो की बात करें तो इसमें आपको मीडिया टेक डायमेंसिटी 700 मिलती है, जो कि 7 नैनोमीटर पावर एफिशिएंट ऑक्टो कोर है। अंतोस कोर आपको यहाँ पे 2,60,000 के आसपास मिलेंगे, यानी कि 60,000 के आसपास। तो यहाँ पे वीवो को प्रोसेसर यहाँ पे याला यूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये आपको यहाँ पे आसानी से 15 या 16 हज़ार तक की देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन कुछ 25,000 का लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे याला प्रोसेसर नहीं यूज़ करते हुए कोई और एक अच्छा सा प्रोसेसर यूज़ कर लेना चाहिए था, जिसके थ्रू यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी और अच्छी मिल जाती। इसलिए मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वीवो ने जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं किया, बाकी और भी चीज़ों पर यहाँ पे फोकस किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे नो डाउट के दोनों में आपको सॉफ्टवेयर काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। सैमसंग में आपको 1UI 3.1 मिल जाता है और वीवो में आपको यहाँ पे फन टच वर्स यहाँ पे मिल जाता है, जो कि दोनों एंड्रॉइड 11 पे बेस है। कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन आपको दोनों में कई सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सैमसंग में आपको यहाँ पे नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, जो कि एक हार्डवेयर सिक्योरिटी है, कोई सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी नहीं है। तो जिसके थ्रू आपका जो पर्सनल डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा, आपका जो जो पर्सनल जो भी जितना भी डेटा है आपका फ़ोन हैक नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी आपको नॉक सिक्योरिटी तो सिक्योर फोल्डर ऑल जी सैमसंग पे, ये आपको सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो यहाँ पे सैमसंग में आपको साइड माउंट यानी पावर बटन के ऊपर यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वीवो में आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले जो सेंसर होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे फेस वाला दोनों में मिल जाता है। 3.5 वाली जैक आपको यहाँ पे सेंसर में देखने को नहीं मिलती, वीवो में मिल जाएगी। ब्लूटूथ वर्जन दोनों में काफ़ी लेटेस्ट है। सेम टेक की बात करें तो यहाँ पे दोनों में हाइब्रिड दे रखी है, यानी कि आप चाहे तो यहाँ पे 2 SIM एक साथ यूज़ कर सकते हैं, या तो 1 SIM और 1 memory कार्ड यूज़ कर पाएंगे। 5G दोनों फोन है, बाकी दोनों में आपको सिंगल यानी कि मोनो स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर वेरिएंट और रेट की, तो यहाँ पे सैमसंग में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6128 और 8128 वाले। और सैमसंग की जो प्राइस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, मतलब यहाँ पे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन ऑफर प्राइस बेसिकली आपको चल रहा है। यहाँ पे आप अमेज़ॉन पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कार्ड्स वार्ड सब कुछ लगाते हैं तो आपको ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 24,500 का देखने को मिल जाएगा। हाँ, हालांकि जो बेस वेरियंट है वही देखने को मिलेगा, बाकी जो 8128 वाला है वो आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी उस वाले प्राइस रेट पे ये फोन काफ़ी ज़्यादा सही है। वीवो की बात करें तो यहाँ पे इसमें सिंगल वेरिएंट है, जो कि आपको यहाँ पे 25,000 के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफर लगा के आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे पूरी वीडियो को अगर यहाँ पे समअप किया जाए, तो बेसिकली यहाँ पे सैमसंग का फोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। ये फोन 30,000 का है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सिर्फ 25,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। और वही जगह इसमें बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे क्वालकम स्नैपड्रैगन 778G काफ़ी सही प्रोसेसर है, आपकी अच्छी खासी गेमिंग करा पाएगा। और यहाँ पे 25,000 तक की ये फ़ोन एकदम बेस्ट है, मतलब ये प्रोसेसर एकदम सही है। और वजह के कैमरा तो अच्छा ही है, बाकी इसमें आपको 4K वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो दोस्तों आपको यहाँ पे करने का ऑप्शन देखने मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने मिला है, जिसके थ्रू आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। वजह के यहाँ पे अगर वीवो की बात करें तो इसमें हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट ऐड नहीं किया गया, और यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो इतना कुछ खास नहीं दिया हुआ है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 700, जो कि इतनी खास नहीं है, मतलब बजट के हिसाब से ठीक है, लेकिन मिड रेंज के हिसाब से ठीक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया निधन ऑफरों का कंप्लीट कंपेरिजन रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और चेक करने के साथ।